बारशिवनी जामा मस्जिद की ओर से शुक्रवार की दोपहर में मुस्लिम भाइयों ने एकता का संदेश देते हुए शहर में तिरंगा रैली निकालकर भाईचारा, प्रेम, क्षमता का संदेश देते हुए तिरंगा अभियान में सभी देशवासियों ने शामिल होना चाहिए यह संदेश देते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे पूरा शहर गूंज उठा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होते ही जामा मस्जिद के सामने सभी मुस्लिम भाई एकत्रित होकर हाथों में तिरंगा लेते हुए शहर में भ्रमण करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागृति करते हुए दिखाई दिए। देश में भाईचारा, समता, प्रेम, एकात्मता बनी रहे, इसलिए सभी देशवासियों ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ना चाहिए और अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराना चाहिए, जिसके लिए मुस्लिम भाइयों की ओर से इस अभियान की पहल की गई। जामा मस्जिद से होते हुए गांधी चौक, पुराना बस स्टॉप, शिवाजी चौक से होते हुए बाजार चौक में रैली का समापन हुआ। हाथों में तिरंगा लेते हुए भारत माता की जय जयकार से सारा परिसर गूंज उठा। इस देश की एकता का शान है ये झंडा, इस देश की एकता का शान है ये झंडा, सदा आसमान पे लहराए ये झंडा, हमारा तिरंगा, हम सबका तिरंगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी में पारशिवनी की तरफ से जामा मस्जिद ट्रस्ट और तमाम पारशिवनी वासी और मुस्लिम समाज की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस तिरंगा रैली के आयोजन का मकसद एक ही है कि जिस तरह से ये तिरंगे में तमाम तरह के रंग है, ऑरेंज है, संतरी है, हरा है, सफ़ेद है, नीला है, हम सब समाज में एकता का, इस तिरंगे के इस एकता के प्रतीक को पूरे समाज, पूरे विश्व में ले जाना चाहते हैं। और इस रैली का मकसद इस पारशिवनी शहर में और पूरे भारत में अमन को कायम रखना और तिरंगे की शान को बढ़ाना और इसे हमेशा ऊंचा रखने के लिए। देश 1947 में आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन आप देखिए कि आज भी देश को आज़ादी दिलाने में हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोगों का योगदान रहा है। ये देश आज़ादी का और एक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है और इस प्रतीक को हमको हमेशा देश में कायम रखना है। और मैं सभी समाज और सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, क्योंकि हमारा तिरंगा विश्व का सबसे प्यारा तिरंगा है और हमेशा सदा लहराने वाला तिरंगा है। पारशिवनी से बीसी न्यूज संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।